वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैसअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैसअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। भैया हमें तो सब समझ में आती है, भाई तुमको नहीं आती। तुम कह रहे हो कुछ, कोई कई लोग समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अरे तुम नहीं समझते, तुमको दिख नहीं रहा क्या? इन लोगों के लिए ये शहीद होते हैं। मैं तो इनकी, पाकिस्तानियों की जो बातें हैं सुनती हूँ, वर्डिंग्स, इनके लिए शहीद हैं। वो कौन है? फिजा खान। उसको नहीं देखा था कैसे उसको तकलीफ हो रही थी, जिस तरह की वो भाषा, इनके दूसरे भी मीडिया के जो बैठे हुए थे सो कॉल्ड, इनका मीडिया अनपढ़ कवार, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे और कितना इनको इसराइल से नफरत और तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रही हूँ इसराइल जैसी कंट्री, ओ हो, उसने दिखा दिया यार हाउ पावरफुल इट इज, हाउ स्ट्रांग इट इज। एक छोटी सी कंट्री है, सबका बैंड बजा के रखा हुआ है, और ऐसे ही रोना चाहिए कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। समझते हैं तू पागल है क्या? जलसे जुलूस हो रहे हैं जिन्हें जूते की नोक पर रखते हुए नितिन याहू जंग का दायरा बढ़ाता जा रहा है। अब गजा के बाद आप देख रहे हैं कि लबनान भी निशाने पर, इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है, और आहिस्ता आहिस्ता जालिब इसराइल अपने कदम दीगर के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी वो डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। खामोश है, नारे लगा रहे हैं और पिक्चर तस्वीरें। इसराइल ने लबनान के बाद यमन पर भी हमले शुरू कर दिए हैं। अब है क्या इनका लबनान? सुन सुन के ना मैं भी प्रोनाउंस करना गंद भूस को, पता नहीं लबनान है, पता नहीं क्या बोलने लग गई। जो दहशत गर्दी कर रहे हैं आप उनको मार रहे हैं, हम आपके साथ हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस बातचीत के दौरान अपने मित्र और इजरायली समकक्ष से कहा कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दिया कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। बड़ी बात यह है कि दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब इसराइल एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। प्रधानमंत्री लड़ाइयों में पश्चिम एशिया में हाल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात की है। आतंकवाद की हमारी दुनिया में कोई जगह नहीं है। क्षेत्रीय तनाव को रोकना और सभी बंधकों की सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। भारत शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के प्रयासों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको यहाँ बता दें कि पिछले कुछ दिनों से इसराइल लेबनान में ईरान समर्थित आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करा है। नरेंद्र मोदी ने भारत के जो वजीर आजम है उन्होंने टेलीफोन किया है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को, और उन्होंने ये कहा है कि खास तौर पे ये दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो तो मुलाकात की थी महमूद अब्बास से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोबारा फ़ोन किया है और आज फ़ोन किया है बेंजामिन नेतन्याहू को, और उस टेलीफोन में उन्होंने कहा है कि हमने खित्ते की डेवलप होती सूरत हाल पर डिस्कस किया। क्या डिस्कशन नरेंद्र मोदी कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी ने ये डिस्कशन की होगी कि बहुत अच्छा किया मोदी जी ने, कहा ठोको नसरुल्ला जो है इनको ऐसे होना चाहिए। ईरान के इस वक्त टॉप के सपोर्टर थे, और अमेरिका और इसराइल की एक बड़ी जो गठजोड़ है, जो एक सपोर्ट है, अमेरिका कहता है और बहुत सारे और मुल्क कहते हैं कि भाई हसन नसरुल्ला को मारा जाना ठीक है। कहा जाता है कि काफ़ी दुनिया के जो वेस्टर्न मुल्क हैं वो हिजबुल्ला को समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। तुम क्या समझते हो, खुद क्या समझते हो ये बताओ ना, ताकि पता तो चले तुम्हारी क्या सोच है। फिलिस्तीन के जो यूएसए में बैठ के ये बातें कर रहा है, वो एक कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए हैं जहाँ पे हसन नसरुल्ला जो है वो उसको जो टारगेट किया गया है उसको वो कंडेम कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि भारत के अंदर एक डिवाइड
नजर आ रही है सिचुएशन है कि हुकूमत जो है वो एक टेसेड सपोर्ट कर रही है या कंप्लीट सपोर्ट कर रही है इसराइल को, और कुछ एक हद तक आप समझ लें कि जो रिलीजन में डूबे हुए लोग हैं, एनालिस्ट हैं, मीडिया जो है वो कंप्लीटली इसराइल की साइड ले रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली जब इंडिया इसराइल की साइड लेता है तो वो बेसिकली ये कह रहे होते हैं कि जो तुम इसराइल इस्लामिस्ट को टारगेट कर रहे हैं, इंडिया कह रहा है कि जो इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स को टारगेट कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर वो घर में भी फैसला करते हैं कि हमें भी कश्मीर के अंदर उन इस्लामिस्ट को अटैक करना है। क्यों ठीक नहीं कर रहे, जरा बताओ की फौज और पुलिस पे हमले, बोलो। ठीक है जी, अब अगर देखा जाए तो ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस सेंस में कि हमें तो सब समझ में आती है, तुमको नहीं आती। तुम कह रहे हो कुछ कोई कई लोग समझते हैं कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अरे तुम नहीं समझते, तुमको दिख नहीं रहा क्या? इन लोगों के लिए ये शहीद होते हैं। मैं तो इनकी पाकिस्तानियों की जो बातें हैं सुनती हूँ, वर्डिंग्स, इनके लिए शहीद हैं। वो कौन है? फिजा खान। उसको नहीं देखा था कैसे उसको तकलीफ हो रही थी जिस तरह की वो भाषा, इनके दूसरे भी मीडिया के जो बैठे हुए थे सो कॉल्ड इनका मीडिया अनपढ़ कवार, वो किस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहे थे और कितना इनको इसराइल से नफरत और तकलीफ हो रही है। मैं तो कह रही हूँ इसराइल जैसी कंट्री, ओ हो हो, उसने दिखा दिया यार हाउ पावरफुल इट इज, हाउ स्ट्रांग इट इज। एक छोटी सी कंट्री है, सबका बैंड बजा के रखा हुआ है, और ऐसे ही रोना चाहिए। और मोदी जी ने क्या बात की? मोदी जी को थोड़ी को बता देंगे सबको कि क्या है, अंदर से क्या बात की है मोदी जी ने, कहा होगा तो ऐसे मुझे पता है क्या कहा। जब हम खुश होते हैं कि इसराइल इतना अच्छा कर रहा है, वो मेहनत से कर रहा है, मेहनत है भाई लोगों की, छोटी कंट्री है मगर उसने मेहनत इतनी की, अगर उतना इंडिया मेहनत करे तो कहां से इंडिया पहुंचे। छोटी सी कम पॉपुलेशन उनकी, थोड़े से लोग, थोड़ी सी लैंड, उसके बावजूद इतनी बिग अचीवमेंट, और हम इंडियंस इतनी बड़ी लैंड, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो सोचो अगर हम करना चाहें तो कितना कुछ कर सकते हैं। पर नहीं, हम इन पागल पाकिस्तानियों के जो हमारे लोग हैं क्या बोलते थे ये तो अब उन इंडियंस को क्या बोलते हो, तो क्या वर्ड यूज करते हो? जो मैं तो कहती हूँ, मैं तो बड़ा स्ट्रांग वर्ड यूज करती हूँ, ये पता नहीं क्या भोला या भोले इंडियंस या कुछ कहते हैं, मैं कहती हूँ इतने भोले भोले क्या है, वो अनएजुकेटेड, वो इनके साथ पाकिस्तानियों के साथ प्यार दिखा रहे हैं, अपना प्रेम प्रेम भाव पाकिस्तान देश को डुबा रहे हैं। तुमसे वो सारे लोग हैं जो देश को डुबा रहे हैं। भैया कुछ इसराइल से सीखो, इसराइलियों से सीखो, कैसे मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाते हैं। तो चलो यार, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि नितिन्याहू ने तो बजा के रखी हुई है इनकी, और पाकिस्तान को भी वार्निंग दे देनी चाहिए इनको इवेंचुअली। पहले अपने आसपास के लोगों को ठीक कर लें, देशों को, उसके बाद नेक्स्ट नंबर पाकिस्तान का भी आएगा जो बाज नहीं आ रहा है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही गाइज, आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू।